आ गया मैं थानों के जंगल में। सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये। आय हाय, कहाँ है आजकल राणा भाई, है ना? थोड़ा सा तो लगा होगा भाई। और वो इसलिए क्योंकि भाई मैं कुछ टाइम से अपने लिए, मतलब एक होता है ना पर्सनल स्पेस, पहले मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था ये वाला कि मैं कहीं अकेले बैठ जाऊँ, ठीक है, पर अब आ गया है। ये लो भाई, ये चेक करो आज का वेदर। आय हाय हाय, अब नेक्स्ट ट्रिप दिखाऊं तुम्हें। सो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग वीडियो में। और आज व्लॉग की शुरुआत मोटो व्लॉगिंग से, क्योंकि आज मेरा ऐसे मतलब सामने से जो फ़ोन पकड़ के शूट करने का है ना वो वाला सीन नहीं बन रहा था, तो मैंने सोची कि आज जो है सीधा मोटो व्लॉगिंग से ही शुरू करेंगे। और अभी तक यहाँ पे लग रखी थी घनघोर वाली बारिश, और बारिश के बाद का वेदर आप देख ही सकते हो, बहुत ही सुहाना। इसके बारे में तो मैंने क्या ही बताना, बाकी मैं अपने निकल चुका हूँ धन्नो को लेके, और सोलो निकला हूँ, ऐसा कोई है नहीं साथ में, कोई पार्टनर ही नहीं है यार। ये पीछे की सीट ना खाली खाली सी लग रही, कोई पार्टनर बने तो मैं ज़रा पार्टनरशिप में जाऊँ जरा, हैं कहीं घूमने फिरने। तो फिलहाल तो मैं अकेला निकल चुका और अभी जा कर रहा हूँ, ये तो मैं बताऊँगा तुम्हें आगे। उससे पहले कुछ और बात कर लें, क्योंकि आज है 5 सितंबर, तो तुम समझ चुके होंगे, आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि व्लॉग तो मैं कभी भी डाल सकता हूँ ना, तो मैं अपने मुँह से बता देता हूँ, आज है 5 सितंबर, तो वेरी स्पेशल डे फॉर स्टूडेंट्स एंड मी ऑल्सो। मेरे लिए इसलिए क्योंकि आज है मेरी माताश्री का बर्थडे, और बाकी टीचर्स के लिए है आज टीचर्स डे। तो मेरी तरफ से भाई जितने भी मेरे प्यारे प्यारे टीचर्स थे ना, जिनके साथ हमने स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और मतलब अलग लेवल के मज़े किए थे, जो एक तो होता है एक गुरु, ठीक है, फिर एक जिनको गुरु से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, तो तुम खुद सोच सकते हो। तो उन प्यारे प्यारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। बाकी मैंने वैसे मैसेज वगैरह भी कर ही दिया था टीचर्स को, अपने 2-3 टीचर थे यार अपने बस, तो उनको मैंने मैसेज किया था, मतलब क्लोज वाले, ऐसा नहीं हर कोई नहीं, तो बाकी टीचरों को मैंने मैसेज वगैरह तो कर ही दिया था। और अभी मैं घर बैठे बैठे ऐसे बोर हो रहा था, तो मैंने सोची कि यार चलो यार ज़रा निकल लेते हैं कहीं बढ़िया सा, आगे के लिए थानों वाली रोड पर जाएंगे, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जंगल व्यू तक जाऊँ। इसको देखिए जरा भाई, इसकी आँख, एक तो जी वैगन आर और ऊपर से शीशे बंद साइड के, वेरी नाइस। लो भाई सॉन्ग पुल पे आ चुके, बाकी आप लोग भी बोलते होंगे कि यार कितना सॉन्ग पुल दिखाता है ना ये, है ना भाई, मेरे जो क्लोज है ना क्लोज, वो ये जगह है यार, एक सॉन्ग पुल हो गया, एक माल देवता, मतलब थानो रोड और माल देवता, ये ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इधर ही के लिए घूमता हूँ। और इधर घूमने में थोड़ा एक पीस है, मतलब अगर तुम इसी रोड पर कहीं आगे निकलोगे ना, तो आगे आती है बहुत मस्त मस्त शांत जगह, तो वहाँ पे आके, वहाँ पे जाके आप लोग बैठ सकते हो और चिल आउट कर सकते हो, मतलब मस्त करके अकेले भी बैठोगे ना तब भी। वैसे मेरे को अकेले वाला कॉन्फिडेंस पहले मेरे को बस इतना था कि मैं अगर लॉन्ग ट्रैवल करूँ ना, तो जैसे गांव जाना, नानी के घर जाना, तो स्कूटी वगैरह में जाता था, तो मेरे को था कि मैं अकेले जा सकता हूँ, लेकिन जैसे रेस्टोरेंट में हो गया वहाँ मैं अकेले नहीं बैठ सकता, और दूसरा कोई सा भी मतलब कहीं भी कह लो, तो मेन बात यह है कि मैं अकेले नहीं बैठता, ठीक है। तो अभी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है भाई कि मैं जा रहा हूँ अभी अकेले और बैठूँगा अभी मस्त करके। बाकी भाई आज का मेन मोटिव ये है व्लॉग बनाने का, कि मैं बहुत टाइम से भाई बहुत टाइम से डीएक्टिवेट हो रखा हूँ यूट्यूब पे, तो मतलब एक तरीके से ये लगा लो कि मैं जब से यूट्यूब से थोड़ा गायब हूँ ना, तुम्हें भी लगा होगा अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो आप लोग, तो आप लोगों को भी लगा होगा कि यार कहाँ है आजकल राणा भाई, है ना, थोड़ा सा तो लगा होगा भाई। और वो इसलिए क्योंकि भाई मैं कुछ टाइम से अपने लिए, मतलब एक होता है ना पर्सनल स्पेस, बस वो वाले सीन चल रहा था मेरा, मतलब लाइफ ऐसे नहीं होती यार जैसे मैं व्लॉग में दिखाता हूँ ना भाई कि मैं चिल हूँ ये हूँ, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, लाइफ बहुत अलग है, बहुत मतलब जो व्लॉग में दिखाते हैं वो लाइफ कुछ और है, और जो तुम जी रहे हो ना वो लाइफ दूसरी होती है। तो जो मेरी एक्चुअल लाइफ है ना, जिस कारण मैं यहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, उसका एक रीज़न है, वो बताऊँगा मैं इन फ्यूचर, बताएंगे कभी, बाकी जिन्हें पता है उन्हें पता है भाई, ठीक है अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता तो भाई इन फ्यूचर कभी बताएंगे, बस इन फ्यूचर
एक होता ना मोटिवेशन कि भाई मैं मोटिवेट रहूं, भाई मैं बताऊं, मैं सही बताता हूं, मैं दूसरों को मोटिवेट कर देता हूं, पता नहीं कैसे। मतलब जो मेरे साथ के भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, कोई भी हैं, भाई मैं मोटिवेट कर देता हूं, लेकिन जो वो मोटिवेट मैं करता हूं ना सामने वाला, वो मोटिवेशन मेरे को पता नहीं क्यों नहीं होती है, मैं खुद को नहीं कर पाता हूं। अरे रुक जाओ भाई, अब मेरे को वो वाली मोटिवेशन अपने आप को करनी है कि नहीं, ना भाई ना, ऐसे करके ना कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए भाई मैंने अभी मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी जो मैंने व्लॉग बनाया ना, मेरा कैमरा कहीं और पड़ा हुआ था, मेरा गोप्रो का जो ओलांजे केस है वो कहीं और पड़ा हुआ था, इंस्टा 360 कहीं और था मेरा, और मेरा माइक जो है वो फ़ोन हेलमेट से मैंने प्रॉपर निकाल रखा था पूरा। तो ये सारा मैंने समेटा अभी 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, मैंने 5 मिनट में समेटा और मैं चला गया व्लॉग बनाने। मैंने कहा अब तो निकल जाऊँगा सीधा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो हद हो जाएगी, वरना मतलब इतने टाइम से गायब हूँ यार। फिर मैंने कहा चलो भाई अब तो बनाओ, तो बस फिर यही मोटिवेशन लेके मैं निकल गया। और अब मैं सोच रहा हूँ भाई हर दूसरे दिन व्लॉग डालूंगा, कुछ भी डालूंगा, कैसा भी डालूंगा, लेकिन डालूंगा, क्योंकि अब मैंने जो चीज़ वो चीज़ पकड़ रखी है ना, तो भाई उसमें तुम्हें एक तो मोटिवेट रहना होता, ठीक है, डीमोटिवेशन उसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, और डीमोटिवेशन आता है इनकी वजह से, आप समझ जाओ इनकी तो वो डिमोटिवेशन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, डिमोटिवेशन कह लो, अट्रैक्शन कह लो, वो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो एक तरीके से मैं ख़त्म कर रहा था कुछ टाइम से, जब से मैं लापता था यूट्यूब पे। फिर कोई बोल देगा कि ऐसे क्या बात करता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर बोल दिया, यूट्यूब पे जब से मैं लापता था तब से मैं कुछ चीज़ें अपने अंदर की ख़त्म कर रहा था। एक एज आती है ना कि भाई मतलब कुछ करना है, कमाना है, क्योंकि जिस एज में अभी मैं हूँ उस एज में मेरे घर वालों को रास नहीं आ रहा ये कि वाई यू सिट हेयर, गो बाहर एंड डू सम वर्क, अर्न सम मनी, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। तो अभी मेरा सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मैंने सोचा है कि ये करने का, क्योंकि देखो भाई मैं सही बताऊँ ना, मेरे से ना ऑफिस वर्क बिल्कुल ना होता, जैसे ये ट्रैवलिंग वगैरह का है ना, एक ये चीज़ सही लगती है मेरे को, और दूसरा उसमें सीन ये है कि मेरे से ना एक जगह पे बैठा नहीं आता सही में, बिल्कुल जेन्युइन बताऊँ ना, बिल्कुल भी नहीं। तो एक ये वाली आदत भी लानी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि यार एक एज होती है ना, तो घर वाले एक लिमिट तक ही बोलते हैं, और एक टाइम पे आके वो या तो मेरे को बोलना ही छोड़ देंगे, और या फिर ऐसी कर देंगे कि छोड़ जो करता है कर ले, हमें क्या ये वाला। अब ये तुम कई लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता भाई, तो जेन्युइन बताऊँ, अगर बंदा कमाए ना तो माँ बापों को भी प्रॉब्लम होती है, उनकी औलाद अगर कमाए ना, तो ये वाली चीज़ थी यार मेरे में। अभी काफ़ी टाइम से मैं इसी चीज़ को लेके बहुत कुछ सोच रहा था, अब मैंने कहा कि चलो ज़्यादा नहीं, इतना भी कर लूँगा ना अगर खुद के लिए थोड़ा सा, तो एक बार को पेरेंट्स थोड़ा रहते हैं कि हाँ चल कोई बात नहीं कुछ तो कर रहा है। बाकी यार करने धरने वाली बात को हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा स्टॉप, वरना तुम बोलोगे कितना पकाएगा ये, है ना, तो वो चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करके। और अभी मैं बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ भाई जंगल व्यू की ओर, थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के चाय वाय पी के वापस आएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि पहले मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था ये वाला कि मैं कहीं अकेले बैठ जाऊँ, ठीक है, पर अब आ गया है, अब मेरे को कोई कहीं भी जाने को कहीं भी बैठने को बोले ना भाई मैं चिल होके बैठ सकता हूँ। पहले मेरा ये था, मैं अगर ट्रैवल वगैरह कर रहा हूँ ना, मतलब यहाँ से जैसे नानी के घर जाना, गाँव जाना है, ब्ला ब्ला, तो मैं सोलो कर सकता हूँ आराम से ट्रैवल, बट एक रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर दे के खाना खाना भाई, वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं था मेरे में, लेकिन अब है। लो भाई आ गया मैं थानों के जंगल में, सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये, हाय हाय यहाँ पे आना ना, मतलब भाई सदा के लिए सुकून है यहाँ पे, कभी भी आओ कभी भी, बस ये पेड़ नहीं कटने चाहिए, जिस दिन यहाँ के पेड़ काटने की बात आई ना भाई, उस दिन तो मैं भी आ जाऊँगा यहाँ लड़ने के लिए, ये पेड़ गायब नहीं होना चाहिए, जो ये वाला जंगल वाला पैच है ना जो 1 किलोमीटर का, इसमें सुकून है।
तो भाई होप करता हूँ कि मैंने आपको अभी तक के ब्लॉग में पकाया ना हो ज़्यादा यार, जो मेरे मतलब अंदर था ना, जो मेरे को निकालना था। देखो मैं इधर उधर तो कहीं भी निकालने के लिए निकाल सकता हूँ, बट जब मैंने सोची अगर इतनी बात करनी है तो क्यों ना एक ब्लॉग ही बना दिया जाए, है ना। इन फ्यूचर जाके इसको देख के वापस मोटिवेट हो जाऊंगा कि यार मैंने एक बार उसको ये तो बोला था। और बाकी अपना बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं अपना जंगल व्यू, जहाँ पे कि मैं बैठूंगा अकेले। ओ माय गॉश, मैं अभी भी स्टिल यही सोच रहा कि मुझे अकेले बैठना है। तो चलो यार चलते हैं और एक चाय पी के गायब हो जाते हैं। लो भाई चाय वगैरह हमने पी ली और अब यहाँ से निकलते हैं सीधा घर के लिए। टाइम जो है 7 बज चुके, अंधेरा तो हो ही गया, बाकी गोप्रो तो अंधेरे में अंधा हो जाता है, तो इसको हम रखते हैं ऑफ करके साइड में और निकलते हैं यहाँ से। बाबा की